नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHPC की। आपको बता दें, इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी 7 फरवरी 2023 को, और आपको बता दें इनकी तरफ से जो रिजल्ट के साथ साथ आपको डिविडेंड का अमाउंट भी यहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो 40 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 4.5% का डिविडेंड यील्ड है। आपको बताते चलो कि ये 6 से 7% ऊपर आपको डिविडेंड दिया करती थी कंपनी, लेकिन क्योंकि आपको इनकी तरफ से एक साल में जो रिटर्न है वो आपको 35% तक का रिटर्न आते हुए मिला है, जिसके वजह से ये डिविडेंड यील्ड यहाँ पे घट गया है। अदरवाइज ये 6 से 7% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड आपको दिया करती थी कंपनी। तो आगे भी आपको जो भी ये डिविडेंड है, डिविडेंड के साथ साथ आपको स्टॉक ग्रोथ का भी फायदा हो रहा है। अगर यही पिछले साल की बात करते हैं, 1.31 रुपए का डिविडेंड आपको फरवरी में, उसके बाद आपको अगस्त में आपको 50 पैसे का डिविडेंड दिया गया था। तो आगे जाके हम देखेंगे लेटर में हमें कितने अमाउंट का डिविडेंड मिला है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेवल के हमें कहाँ पे बाई करना है, इस डिविडेंड के लिए बैठना सही है किस लेवल से, और किस लेवल पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वो हम टेक्निकल चार्ट पे चल के समझेंगे। तो सबसे पहले लेटर की बात कर लेते हैं। तो 7 फरवरी 2023 का ये लेटर जो आपको एक्सचेंज को नोटिफाई किया गया है, बताया गया है कि इनके तरफ से 1.40 रुपए पर इक्विटी शेयर पर आपको डिविडेंड की घोषणा हुई है, और इसके लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो आपको 17 फरवरी 2023। तो आपको 15 फरवरी 2023 तक आपने आपको लेवल देखना है, उस लेवल पे अगर मिलता है तो बाई करना है, अगर डिविडेंड के लिए आपको परचेस करना है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बात करेंगे, कैसे अप्रोच रखनी है मार्केट के अंदर। तो अभी 40 रुपए के आसपास काम काज कर रहा है, जो इमीडिएट जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है 39 का। तो याद रखिएगा, 39 के ऊपर ऊपर अगर काम काज करता है, 8 तारीख 9 तारीख तक देखना है, अगर ये ऊपर ऊपर काम काज करता है तभी आपको बाई करना है, वरना छोड़ देना है। मैं आपको पहले भी सतर्क कर देता हूँ कि इसमें अगर 39 का लेवल काट के नीचे गया तो 37 के आसपास अगर ये नीचे गया और उसके बाद ये इंट्रा लो जो है वो आपको 35 के नीचे तक का बना सकता है, वापस आपको रिकवर कर जाए मार्केट में वो अलग सी बात है, लेकिन लो बनाने के लिए ये 35-36 तक का नीचे आपको डिप लेने जाएगा। अगर वहां से रिकवरी आते हुए दिखी आपको बाई करना है तो उसी लेवल पे आप बाई करें। ऊपर के साइड में जो पहला टारगेट रहेगा वो अगर 36-35 के बीच से अगर बाइंग है तो आपको 40 पे तो प्रॉफिट बुक कर लेना है एनी हाउ। 39 से लेके 40 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको 2-3 रुपए ऊपर भाव मिल जाएगा। और जो लोग थोड़ा लॉन्ग बैठना चाहते हैं उनके लिए 44 का पहला टारगेट रहेगा, और 44 जब निकलेगा तो 46 पे भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है। ये स्टॉक कब तक वीक नहीं है आपको बता दें, 34 के नीचे जब तक ये कामकाज नहीं कर रहा है तब तक ये वीक नहीं है। 34 के ऊपर ऊपर आप बाई करके चल सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो। 34 के नीचे जैसे ही ये स्टॉक आता है तो आपको 31 तक का मूव लेने वापस चला जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कैंडी लाइक कर दें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और भी कोई क्वेरी है कैंडी कमेंट करके किसी भी वीडियो में पूछ लें, कोई भी स्टॉक से रिलेटेड मैं आंसर कर दूंगा आपको इमीडिएटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो।